हाँ दोस्तों, तो अभी तक का टेक्नो कैमन 20 प्रो पे मिलने वाला सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच, डायनामिक पोर्ट यानी कि डायनामिक आइलैंड आईफोन वाला, बाईपास चार्जिंग, जो जो चीज़ ज़रूरत है सब कुछ दे दिया गया है इस अपडेट के अंदर। एंड यहाँ पर देखिए 1.02 GB का ये अपडेट था, जहाँ पर मेन जो फीचर्स दिया गया है वो सारा मेंशन किया गया है जो मैंने पहले आपको बताया। एक चीज़ ऐड किया गया है जो कि गैलरी जो ऐप था वो फ्लोटिंग विंडो पे नहीं आ रहा था, मगर इस अपडेट के बाद आप गैलरी ऐप को भी फ्लोटिंग विंडो पे ला सकते हैं। एंड जैसा मैंने प्रोसेस दिखा ऐसे आप फ्लोटिंग विंडो पे ला सकते हैं इसको। अब जो सेकंड आया है वो है डायनेमिक पोर्ट। तो डायनेमिक पोर्ट को आपको कैसे एक्टिव करना है, तो सबसे पहले आप सेटिंग्स ऐप ओपन कीजिए, वहाँ पर स्पेशल फंक्शंस करके एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर सबसे टॉप पे ही दिया गया है डायनेमिक पोर्ट। एंड ये अपडेट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही हो जा रहा है, तो जब भी आप फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे या कॉल आएगा, आई मीन बैकग्राउंड पे कॉल को डालेंगे या फेस अनलॉक करेंगे या जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपको डायनेमिक आइलैंड बता देगा। उसके साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हो रहा था वो सारे ऐप्स के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा था, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट था, ऐप था, जहाँ पर स्क्रीनशॉट काम नहीं कर रहा था, मगर इस अपडेट के बाद से मैं जैसे चेक भी किया तो सारे ऐप्स के अंदर ये स्क्रीनशॉट ले पा रहा है। एंड सबसे बड़ा बात, जो पिछले अपडेट के बाद हो गया था नेटवर्क का इशू, वो पूरा का पूरा फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वाईफाई नेटवर्क पे हूँ, तो जब भी मैं वाईफाई ऑन कर रहा हूँ तो जैसे कि मेरा सेकंड सिम पर वाईफाई कॉलिंग ऑन है तो सेकंड सिम वीओ वाईफाई पे ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। पिछले अपडेट के बाद ये इशू हो गया था तो ये फिक्स कर दिया गया है। एंड नेटवर्क ऑटोमेटिकली जो गायब हो जा रहा था एंड वापस आ जा रहा था वो भी फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर। तो अगर आप लोगों के पास टेक्नो कैमन 20 प्रो 5G है एंड ये अपडेट आपको मिल चुका है, तो डेफिनेटली इस अपडेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो पब्लिश करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।